नमस्कार मित्रों, मैं ईटीवी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण मुरारी शास्त्री आज आपको नवरात्रों के विषय में जानकारी बताऊंगा। सर्वप्रथम नवरात्रों के महत्व के बारे में कि नवरात्रे क्या है, किस प्रकार आपके लिए शुभ रहेंगे, आपके घर में परिवार में किस प्रकार आपको नवरात्रों का लाभ मिलेगा, आशीर्वाद प्रदान मिलेगा, इस बारे में आपको मैं जानकारी बताऊंगा। इसके बाद में नवरात्रों में कब किस समय में किस शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है, किस विधि के द्वारा आपको घट नवरात्रा स्थापना करनी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे प्रमुख बात, नवरात्रों में माँ भगवती जिसका हमको आशीर्वाद प्राप्त करना है उसका वाहन क्या रहेगा, अर्थात वो किस वाहन पर बैठ करके आएगी, इसके बारे में जानकारी देंगे तथा उस वाहन पर बैठकर आने का हमारे देश में, पूरे विश्व में और हमारे प्रदेश में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इसकी भी हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। किस विधि के द्वारा आपको नवरात्रे करने हैं और उसके क्या लाभ हैं, ये भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे तथा इस नवरात्रों में कौन कौन से शुभ योग बनेंगे इसके बारे में तथा किन किन राशियों पर इस नवरात्रों का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कौन कौन से राशियों के लिए नवरात्रे बहुत ही लाभदायक और शुभकारी रहेंगे। तो सबसे पहले जानकारी प्रदान करते हैं नवरात्रों का महत्व। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्रों में जातक और साधक अपने पाप कर्म को दूर करने के लिए, अर्थात ज्ञात में अज्ञात में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाता है उसको दूर करने के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करने के लिए, अपनी ताकत तपस्या व बल को बढ़ाने के लिए तथा नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए जातक को इस नवरात्रों में साधना करनी आवश्यक है। विशेषकर नवरात्रों का बहुत ही महत्व है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 गोपनीय नवरात्रे और 2 मुख्य रूप से शारदीय और चैत्री नवरात्रि अपन मनाते हैं। मैं बात करता हूँ शारदीय नवरात्रों की जो वर्ष 2020 में आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर माँ भगवती ने असुरों पर विजय प्राप्त की, इस उपलक्ष्य में हम नवरात्र मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ भगवती ने जिस प्रकार असुरों पर अर्थात असत्य पर सत्य की जीत हुई है उसके द्वारा ही ये नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक माँ भगवती की सच्ची श्रद्धा उपासना से उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, माँ भगवती हमको आशीर्वाद प्रदान करती है। अष्टमी व नवमी तिथि को पूरे देशभर में कन्या पूजन किया जाता है, अर्थात कन्याओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दसवीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है जो विशेषकर बहुत ही शुभ कहा जाता है। अब की बात, अश्विन अधिक मास होने की वजह से प्रथम बार 165 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है कि श्राद्ध पक्ष के बाद में जस्ट 1 महीने का विराम रहा, उसके जस्ट बाद में अपने यहाँ पर शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं। अमूमन होता ऐसे है कि श्राद्ध पक्ष के खत्म होते ही अर्थात समाप्त होते ही नवरात्र मनाए जाते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग यहाँ पर रहा है और ये भी बहुत ही शुभ है। अब मैं बात करता हूँ कि नवरात्रों में किस प्रकार अपन को घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा और किस विधि के द्वारा हमको नवरात्रे करने हैं। तो शारदीय नवरात्र वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर शनिवार को प्रारंभ हो रहे हैं तथा इनकी समाप्ति 26 अक्टूबर सोमवार तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि 17 अक्टूबर रात्रि 1 बजे प्रारंभ होगी तथा 17 अक्टूबर रात्रि 9:08 पर की समाप्ति होगी। कलश स्थापना का समय 17 अक्टूबर को शनिवार 6:32 से 10:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:29 तक रहेगा। अब इसकी विधि क्या है, किस प्रकार नवरात्रों की स्थापना करनी है, किस प्रकार घट स्थापना करनी है, तो मैं आपको विधि बता रहा हूँ। उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, जैसे सप्तधान्य, मिट्टी का पात्र, जो बोने के लिए मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जड़ा वाला नारियल, अक्षत, पुष्प, चौकी, माता जी की चुंदरी व श्रृंगार का सामान। सर्वप्रथम मिट्टी के पात्र में जो या सप्तधान्य भो करके उसके ऊपर कलश स्थापना करें, कलश के मूली बांध दे, स्वस्तिक कुमकुम के द्वारा तिलक निकाल दे तथा उनके ऊपर गंगाजल, सुपारी इत्यादि आप
रख सकते हैं, उसके बाद झूठ वाला नारे लगा करके और आप घट स्थापना कर सकते हैं। अशोक आम के पत्तों से उसको आच्छादित करें, माँ भगवती की 9 दिन आराधना करें, 9 ज्योति अर्थात ज्योत जगाएं और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के द्वारा माता जी की उपासना करें। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूँ कि माता जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर अवश्य रहेगी। तो ये तो इनका मुहूर्त था और ये इनकी स्थापना विधि थी। अब हम आपको जानकारी देता हूँ जो सबसे प्रमुख बात है कि इस नवरात्रि पर माता जी का वाहन क्या रहेगा, अर्थात माता रानी किस वाहन पर बैठ करके आ रही है। तो अपन बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवती भागवत पुराण में उल्लेख है कि दिन शशि सूर्य है, गज रूढ़ा शनि भूमि तुरंगमे, गुरो शुक्रे च दोलायाम, बुधे नौका प्रकीर्तिता, गजेश है जलदा देवी छत्र भंगम तुरंगमे, नौकायाम कार सिद्धि स्याद दोलायो मरणम ध्रुवम। अर्थात नवरात्र की शुरुआत के वार से इनका ज्ञात लगाया जाता है कि माता रानी का वाहन क्या रहेगा। अर्थात रविवार और सोमवार को अगर इनका आगमन होता है नवरात्रों का, तो उनका माता रानी का वाहन रहेगा हाथी। अगर नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार शुरू होते हैं तो उनका वाहन रहेगा दूल्हा अर्थात झूला। इसी प्रकार बुधवार को अगर नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो उनका वाहन रहेगा नौका नाव। और शनिवार और भूमवार अर्थात मंगलवार को अगर नवरात्रों का प्रारंभ होता है तो उसका वाहन रहेगा घोड़ा। तो इस वर्ष शनिवार को नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है, अतः उसका वाहन रहेगा घोड़ा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में और देवी भागवत पुराण में घोड़े का जो आगमन है थोड़ा अशुभ कहा गया है। अर्थात इस वाहन पर माता रानी आती है तो विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, अर्थात पड़ोसी देशों में शत्रुता या युद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है। पृथ्वी पर भूकंप का प्रकोप भी बढ़ सकता है, अर्थात भूकंप आ सकता है, कोई महामारी भी फैल सकती है, जैसा कि वर्तमान में कोरोना महामारी ये फैल रही है, ये इसका भी एक संकेत है। दूसरी बात अल्पवृष्टि का योग भी बनता है, अर्थात अगर शनिवार को नवरात्र प्रारंभ होते हैं और माता रानी का जो वाहन होता है वो घोड़ा होता है तो अल्पवृष्टि का योग भी बनता है, तो इत्यादि घटनाएं घट सकती है। अब सबसे प्रमुख बात हम बात करते हैं कि नवरात्रों में कौन कौन से राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन राशियों पर ये शुभ फल देने वाले हैं। तो राशि फल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ मित्रों कि सितंबर माह का जो महीना था उसमें काफी उथल पुथल हुई पूरे विश्व में, पूरे देश भर में, पूरे राज्य में, कहीं पर राजनीतिक उथल पुथल हुई तो कहीं पर आपस में शत्रुता वाली उथल पुथल हुई, क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि सितंबर माह में 6 ग्रहों ने राशि का परिवर्तन किया है। जब 6 ग्रहों ने परिवर्तन किया है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से उथल पुथल होना आवश्यक था। विशेषकर 23 सितंबर को राहु और केतु, जिसको विशेषकर क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, इन्होंने राशि परिवर्तन किया, अर्थात मिथुन राशि में से राहु वृष राशि में आया और वृश्चिक राशि में केतु ने प्रवेश किया। जब इन राशियों में इन्होंने प्रवेश किया तो काफी उथल पुथल हुई। लेकिन अब बात करते हैं नवरात्रों में किन किन राशियों पर इनका क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो उससे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि नवरात्रों में कौन कौन से शुभ योग रहेंगे। प्रथमतः शुभ योग रहेगा राजयोग, अर्थात इन 9 दिनों में राजयोग बन रहा है, द्विपुष्कर योग बन रहा है, सिद्धि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसके द्वारा सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। और विशेषकर अमृत योग को विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण योग कहा गया है, वो भी इन नवरात्रों में बन रहा है। अब बात करते हैं राशियों में, तो सबसे पहले मेष राशि, अर्थात नवरात्रों में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ संकेत है। मेष राशि वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, समय अनुकूल है, उनकी विवाह संबंधी समस्या का समाधान होगा तथा अचानक धनवृद्धि का योग भी बनेंगे। विशेषकर नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाएं और माता रानी की सेवा पूजा करें, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना माँ भगवती पूरी करेगी। दूसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य में सफलता मिलेगी, अर्थात दृढ़ता के साथ कार्य करें, धैर्य का त्याग नहीं करें, धन लाभ भी होगा। अति कृपा के लिए माता जी को लड्डू का भोग लगावे और कुमकुम का तिलक भी लगावे, आपके लिए बहुत मंगलकारी नवरात्र होंगे। अगली राशि है तुला,
तुला राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि बहुत शुभ है, उनके बिगड़े काम बनेंगे, समय का सदुपयोग करें, मन लगाकर कार्य करें, अर्थात कोई भी कार्य अनमने मन से नहीं करें, निश्चित रूप से उनको उचित फल मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। विशेषकर माता जी के लिए दूध से बनी मिठाई का भोग लगावे, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब बात करते हैं धनुराशि। आपस में संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक मित्रता होगी, मित्र व्यवहार बनेंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनते हैं। नवरात्रों में माता रानी के पसंदीदा भोग हलवे का भोग लगावे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मकर राशि। मकर राशि के लिए बहुत शुभ है, भूमि संबंधी समस्या का समाधान होगा, कोई भी जमीन मकान दुकान लेने का योग उनका बन रहा है, अर्थात उनका व्यापार बढ़ने की अपार संभावना है। नवरात्रि में कलश स्थापना करें और विशेषकर कन्या पूजन अवश्य करें, नव कन्याओं को एक सेव अर्थात कोई भी फल और कुछ दक्षिणा देकर के उनको पूजा अर्चना करें, व्यापार में वृद्धि होगी, माता रानी का आशीर्वाद भी आपको अवश्य मिलेगा। अगली राशि है कुंभ। नई नौकरी व नया व्यापार प्रारंभ करने का योग है, कार्य क्षेत्र में आकस्मिक वृद्धि होगी और चमत्कारी फल भी मिलेगा, आर्थिक व शारीरिक लाभ भी अवश्य मिलेगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और नवरात्रों में मां भगवती की पूजा अर्चना व आराधना करें। तो इन राशि वालों के लिए नवरात्र बहुत शुभ है, बाकी शेष राशि वालों के लिए सामान्य नवरात्र रहेंगे। तो ये तो मित्र थी राशियों की जानकारी, और इसी के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माता रानी की सेवा पूजा अर्चना करें और नवरात्रों में सच्ची श्रद्धा के साथ में माँ भगवती की पूजा भी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी कोई भी ज्योतिष से समस्या हो, विवाह धन व्यापार संबंधी समस्या हो, उसके लिए आप अवश्य जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।